Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangad College, Tidwana. हम Origin and Evolution of Gymnosperms पढ़ रहे थे. इसका आज पार्ट थर्ड हम शुरू करेंगे. इसके अंदर थर्ड पार्ट में हम स्टिलर जो सिस्टम होता है, संवहन जो सिस्टम होता है Gymnosperms का, उसके अंदर क्या विकास हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे. ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम ऑफ जिम्नोस्पर्म. द जिम्नोस्पर्म आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन एडवांस टाइप ऑफ प्राइमरी वास्कुलेचर सिस्टम यूजली रिफर्ड एज यू स्टील विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रिमिटिव प्रोटो स्टील. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो संवहन ऊतक है या संवहन बंडल पाए जाते हैं, सिस्टम पाया जाता है, वो एक एडवांस टाइप का प्राइमरी वास्कुलर सिस्टम होता है. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो वास्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है वो एक एडवांस टाइप का प्राइमरी वास्कुलर सिस्टम है, जो कि यू स्टील या सुरंग कहा जाता है. यू स्टील या सुरंग किया कहा जाता है, जो कि विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रिमिटिव प्रोटोस्टील, जो कि जो हमारी पुरातन प्राक्रम थी, प्रोटोस्टील थी, पुरातन प्रिमिटिव प्रोटोस्टील, पुरातन प्राक्रम थी, जिसमें सेंटर कोर, सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम फॉलोड बाई द पेरिसाइकिल. प्रोटोस्टील में क्या होता था, प्राक्रम के अंदर क्या होता था, जो उसका सेंटर है, केंद्र है, वो सॉलिड जाइलम का बना हुआ होता था, और जिसको फ्लोएम का रिंग चारों तरफ से कवर्ड किए होता था, और इसके बाहर पेरिसाइकिल पाई जाती थी. ये प्रिमिटिव प्रोटोस्टील है. आपको पता है, आपने टेरिडोफाइट्स में पढ़ी थी इस टाइप ऑफ स्टील. उसमें पहली स्टील जो सिंपल और प्रिमिटिव या पुरातन स्टील थी, दैट इज प्रोटोस्टील. तो प्रोटोस्टील में क्या होता है, जो उसका सेंटर है वो जाइलम का बना हुआ है, उसको चारों तरफ से फ्लोएम घेरे हैं, और उसके बाद बाहर पेरिसाइकिल पाई जाती है. देयर आर टू मेन व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ एडवांस यूस्टिलिक वास्कुलर सिलेंडर फ्रॉम द प्रिमिटिव प्रोटोस्टील. इस पुरातन प्रोटोस्टील से जो एडवांस यूस्टिलिक या सुरंभ सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसके लिए मुख्यतः दो व्यूज़ दिए गए हैं. पहला व्यू जाफरी के द्वारा दिया गया और दूसरा व्यू नंबूदरी के द्वारा दिया गया. तो ये दोनों व्यूज़ हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसमें समझने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट व्यू वॉज पोज्ड बाय जाफरी इन 1917. पहला जो अपना मत दिया गया था, व्यू दिया गया था, वो 1917 में जाफरी के द्वारा दिया गया था कि प्राइमरी प्रोटोस्टील से एडवांस यू स्टील सुरंग कैसे बनी. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील इज ए प्रोटोस्टील. इस मत के अनुसार क्या था, जो सबसे पुरातन या सबसे प्रिमिटिव टाइप है स्टील की, वो प्राक्रम थी, प्रोटोस्टील थी. द फर्स्ट स्टेप इन द स्टीलर इवोल्यूशन वॉज द इंक्लोजर ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू विद इन द स्टील, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल पेरेन्काइमस पिथ. तो जो पहला चरण, पहला स्टेप था इस स्टील के इवोल्यूशन में, उद्विकास में, वो क्या था कि जो स्टील है उसके बीच में सबसे पहले कॉर्टिकल टिश्यूज बनना शुरू हो, उसके चारों ओर स्टील बने. तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ था, एक सेंट्रल पेरेन्काइमेटस पिथ का निर्माण हुआ था तनों के बीच में या जिम्नोस्पर्म्स में. जैसे जैसे प्रोटोस्टील से आगे इवोल्यूशन होना है, इवोल्यूशन किस में होना है, सुरंग बनना है, यू स्टील बननी है. तो इसके लिए जो पहला स्टेप था, वो पहला स्टेप ये था कि इस जो सॉलिड प्रोटोस्टील थी, जिसमें पूरा केंद्र जो है जाइलम का बना हुआ था, उसमें कॉर्टेक्स का निर्माण हो, या कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल टिश्यू से पित बने पेरेन्काइमेटस. दिस लेड टू द साइफोनिक स्टील कंडीशन.
ये कंडीशन कौन सी हुई जब सेंटर में पित्त बन गया, दैट इज साइफोनोस्टील या नाल रम बनी, साइफोनोस्टील या नाल रम बनी। तो जेफरी वाज द ओपिनियन दैट द पित्त ओरिजिनेटेड एक्स्ट्रा स्टीलर फ्रॉम द कॉर्टेक्स। जेफरी का ये मत था कि जो पित्त की उत्पत्ति हुई, जो सेंटर में स्टील के पित्त बन रही है, अब ये साइफोनोस्टील की कंडीशन या नाल रम में आ गई। तो नाल रम में आपको पता है कि केंद्र में पित्त को घेरे हुए, पेरेन्काइमेटस पित्त को घेरे हुए जाइलम का रिंग होता है और जाइलम के बाहर फ्लोएम का रिंग होता है। तो जेफरी का जो अपना मत था, उस मत के अनुसार इन्होंने बताया जो ये पित्त की उत्पत्ति हुई है वो कॉर्टेक्स स्टील के बाहर या वास्कुलर बंडल के बाहर, जो प्रोटो स्टील के बाहर कॉर्टेक्स पाई जाती है, उस कॉर्टेक्स से इस पित्त का उद्भव हुआ। जनरली द लीफ ट्रेसिस अराइज इन स्टेम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लीफ ट्रेसिस। सामान्यतः क्या देखा गया है कि तने में छोटे छोटी टुकड़ों में जो वास्कुलर बंडल है वो अलग होता है और लीव्स में वास्कुलर सप्लाई जाती है, लीव्स में संवहन ऊतक जाते हैं, इनको लीफ ट्रेसिस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लीफ ट्रेसिस कहा जाता है, जो स्टेम के मुख्य वास्कुलर बंडल से ब्रांच कट के लीफ में जा रही है वो लीफ ट्रेस, जो ब्रांच में जा रही है वो ब्रांच ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो जेफरी का क्या मत था कि जो प्रिमिटिव प्रोटो स्टील है उसके अंदर पित्त का विकास हुआ, और पित्त का विकास कहाँ से हुआ? कॉर्टेक्स से हुआ, और ये कॉर्टेक्स बीच में आ जाने के बाद ये साइफोनोस्टील बन गई और फिर धीरे धीरे जो है इससे लीफ ट्रेसेस निकलने लगे। दिस रिजल्ट डिसेक्शन ऑफ ट्यूबुलर साइफोनोस्टील इनटू मैनी डिस्क्रीट बंडल और मेरिस्टील व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ए डिक्टियोस्टील। ये जब ट्रेसेस निकलनी शुरू हो गई, जिससे जो सेंटर वास्कुलर जो बंडल था ट्यूबुलर, क्योंकि बीच में पित्त आ गई इसलिए ट्यूबुलर कहला रहा है साइफोनोस्टील, जिससे छोटी छोटी मेरिस्टील बनने लगी, जो आपने कई मेरिस्टील के बाद देखा था कि ये डिक्टियोस्टील बन गई थी जब जो मुख्य स्टील है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में टूट गई थी। इन सम केसेस लॉस ऑफ इंटरनल इंडोडर्मिस, इंटरनल पेरिसाइकिल एंड इंटरनल फ्लोएम आर लॉस्ट लेड टू डिस्क्रीट वास्कुलर बंडल्स ऑफ कोलेट्रल टाइप। साइफोनोस्टील आपने दो टाइप की पढ़ी थी, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। तो ये बताना चाह रहे थे जेफरी कि कुछ समय बाद जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील थी, यानी कि जिसमें दोनों तरफ जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम और पेरिसाइकल था और इंडोडर्मिस थी, जिसमें से जो इनर जो इंडोडर्मिस पेरिसाइकल और फ्लोएम है वो किसी कारण से ख़त्म हो गया और वो स्टील कैसी दिखाई देने लगी, वो स्टील अब सिंपल साइफोनोस्टील जैसी दिखाई देने लगी, जिसमें कोलेट्रल यानी कि बाहर की तरफ बहिपोषवाही, कोलेट्रल इज बहिपोषवाही, बाहर की तरफ केवल फ्लोएम और उसके अंदर जाइलम होता है। ये स्टील इन्होंने यूस्टीलिक या सुरंभ बताई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो यूस्टील है वो मुख्य लक्षण है या अभिलाक्षणिक गुण है या कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म्स और मेनली डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और मेनली डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स का ये यू स्टील या सुरम एक अभिलाक्षणिक गुण है। सेकेंड, दूसरा व्यू, द सेकेंड व्यू वॉज प्रपोज बाई नंबूदरी एंड बैक। जो दूसरा व्यू था वो नंबूदरी और बैक के द्वारा दिया गया। दिस व्यू वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लीफ ट्रेसिस इन प्रो जिम्नोस्पर्म्स एंड अदर जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट लीव एनी लीफ गैप्स। इस मत के अनुसार क्या था, जो लीफ ट्रेसेस निकल रही हैं प्रो जिम्नोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में, वो वास्कुलर बंडल में कोई गैप नहीं छोड़ती, वास्कुलर बंडल में कोई गैप नहीं छोड़ती हैं कि जैसे मेरिस्टील बन जाए, टुकड़ों में
जो स्टील है या संवहन बंडल है वो विभाजित नहीं होते हैं। ये नंबूदरी और बैक का मत था, तो जिससे आपने कई तनों में देखा होगा कि लीफ गैप बन जाते हैं, जैसे लीफ ट्रेसेस बनी, ट्रेस निकली तो बीच में गैप आ जाता है, ऐसा गैप नहीं आता है, ऐसा कहना था नंबूदरी और बैक का। दे सजेस्टेड द इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म यू स्टील बाय द लॉन्गिट्यूडनल डिसेक्शन ऑफ प्रोटोस्टेटिक कंडीशन हैव फॉलोड द फॉलोइंग स्टेजेस। इनका जो सजेशन था, सुझाव था, वो क्या था कि जो जिम्नोस्पर्म के अंदर सुरंभ या यू स्टील बनी है वो प्रोटोस्टील के लंबवत डिसेक्शन या लंबवत विभाजन से बनी है। जो प्रोटोस्टीलिक कंडीशन थी उसको लंबवत उसमें काट आने लगे या कटने लगी वो लंबवत, जिससे जो है यू स्टीलिंग कंडीशन का ओरिजिन हुआ, उद्भव हुआ। इसके लिए इन्होंने निम्न स्टेजेस या चरण बताए थे। पहला चरण क्या बताया, द प्रिमिटिव प्रोटोस्टीलिक कंडीशन विद ए मैसिव थ्री रिब स्टील इज एग्जाम्पलीफाइड बाई सम प्रो जिम्नोस्पर्म्स। कुछ प्रो जिम्नोस्पर्म्स में बहुत बड़ी उनके अंदर स्टील थी, लेकिन प्रोटो स्टील थी, लेकिन वो तीन भागों में, तीन रिब्स में, रिब्स का मतलब है इस तरीके से तीन ग्रुप्स उस स्टेम के अंदर प्रोटो स्टील के पाए जाते हैं। तीसरा आप यहाँ बना लीजिए, वो कैमरा आ जा रहा है उससे। तो इस तरीके से तीन रिब्स जो हैं प्रोटो स्टील की कुछ प्रो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखी गई थी। द रिब्स प्रेजेंट इन द प्रोटोस्टील रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेडियली डाइवर्जिंग लीफ ट्रेसेस। जो ये रिब्स बनी प्रोटोस्टील के अंदर, या प्रोटोस्टील जो ये टूटी रिबन टाइप में, तो इसको बताया गया कि ये वो ओरिजिन का ये जो लीफ ट्रेसेस निकल रही हैं उनके निकलने की उत्पत्ति का सूचक। यहाँ से ओरिजिन होना शुरू हुआ प्रोटोस्टील में से लीफ ट्रेसेस का। इन द नेक्स्ट स्टेज देयर इज ग्रेजुअल लॉन्गिट्यूडनल डिसेक्शन ऑफ प्रोटोस्टीलिक कॉलम इनटू मेनी कॉलम्स अकंपनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमेटस पिथ। नेक्स्ट स्टेज में ये बताना चाह रहे हैं कि लगातार ऐसे ही प्रोटोस्टीलिक जो मेन तना था, उस मेन तने का जो मेन संवहन बंडल प्रोटोस्टील थी, प्राक्रम थी, वो ऐसे ही कटते कटते धीरे धीरे टुकड़ों में अनुदैर्ध्य विभाजन से कटने लगी, और इसी से सेंटर में जो पैरेन्काइमेटस पिथ है उसका निर्माण हुआ। दिस टाइप ऑफ स्टील इज रिप्रेजेंटेड बाय द अपर डिवोनियन आर्कियोप्टेरिस। इस टाइप की जिसमें सेंटर कॉलम लंबवत विभाजन ये मान रहे हैं, उसका उदाहरण इन्होंने क्या दिया, वो जो डिवोनियन काल में आर्कियोप्टेरिक्स हमने नाम पढ़ा था शुरू में, आर्कियोप्टेरिक्स नाम का जिम्नोस्पर्म, प्रो जिम्नोस्पर्म पाया जा रहा था, उसके अंदर इस टाइप की स्टील थी जिसमें प्रोटो स्टील के अंदर लंबवत विभाजन हुए थे और उससे लीफ ट्रेसेस फाइनली बने और सेंटर में पिथ का निर्माण हुआ। तीसरा, ईच ऑफ दिस सिंपोडिया डिवाइड्स टेंजेंशियली टू फॉर्म टू रेडियल अलाइन स्ट्रेंस प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर। सिंपोडिया, ये जो पार्ट एक से पार्ट बनने लगे दैट इज कॉल्ड सिंपोडिया। तो इनमें फिर डायगनली, टेंजेंशियली या रेडियली चक्र में कट लगना शुरू हुआ, जिससे ये दो भागों में बटने लगी। रेडियली से मतलब ये टेंजेंशियली चाहते हैं कि इस तरीके से कट लगा, ये सीधा स्ट्रैंड था, इसमें इस तरीके से कट लग रहा है। एक तो लंबवत विभाजन हो रहे थे, पार्ट बन गए, दूसरा स्टेप में इनमें टेंजेंशियली कट लगना शुरू हुआ। तो इस टेंजेंशियली कट लगने से क्या हुआ कि एक दो स्ट्रैंड बने, एक तो मेन में वन ऑफ द स्ट्रैंड गेव राइज टू द लीफ ट्रेस एंड द अदर वन कंटिन्यूज एज ए रिपेरेटरी स्ट्रैंड। तो जो इस तरीके से दो स्ट्रैंड बन रहे थे उनमें से एक स्ट्रैंड जो था वो तो लीफ ट्रेस में चला गया और दूसरा उसी से जुड़ा रह गया, जो मेन उसका मुख्य वास्कुलर बंडल था उसी के साथ ये नया जो है जुड़ा रहे।
चौथी जो पॉइंट थी उन्होंने दी, चेंज इन द ओरिएंटेशन इन द डिवीजन ऑफ टू स्ट्रैंड्स नीव ट्रेस एंड रेपरेटरी फॉर्म रेडियली ओरिएंटेड और टेंजेंशियली ओरिएंटेड अल्टरनेटिंग विद ईच अदर और प्लेस साइड बाय साइड दैट इज ओरिएंटेड अलोंग द सेम सर्कमफ्रेंस। यानी कि ये जो डिवीजन टेंजेंशियली शुरू हुआ जिससे लीफ ट्रेस और मेन जो स्टेम के साथ जुड़ने वाला दूसरा भाग बनना शुरू हुआ, ये चक्र में रेडियली त्रिज्या के साथ एक ही चक्र में सेम सर्कमफ्रेंस यानी कि सेम चक्र में ये लीफ ट्रेसेस निकलने लगी, बनने लगी अल्टरनेटिंग विद ईच अदर और प्लेस साइड बाय साइड, यही थोड़ा बहुत छोड़ के या फिर साइड बाय साइड। अभी आगे चित्र आएगा वहाँ आपको इसके बारे में पता लगेगा, ठीक है। अब बाकी की जो स्टडी है इसकी वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।